बरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा, जहां सेंटर पर अभ्यर्थियों से बैग और मोबाइल जमा कराने के नाम पर रुपये वसूले जा रहे हैं। बरेली के श्रीराम स्वरूप इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर चल रहा, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थियों से बैग जमा कराने के नाम पर धन उगाही का खेल खेला जा रहा। फोन और बैग के नाम पर अभ्यर्थियों से 20 रुपए की वसूली की जा रही, जहां युवाओं को ठगने का काम इतनी ईमानदारी से किया जा रहा कि किसी को शक न हो। यह सारा खेल स्कूल के प्रतिनिधि शिक्षक सुधीर यादव के स्कूल में पुलिस के सामने चल रहा, जो प्रतिनिधि शिक्षक के साथ सपा पार्टी के मौजूदा जिला पंचायत सदस्य भी है। बैग रखने के लिए बैग जमा करने के लिए 20-20 रुपए यहाँ तक कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव हमेशा युवाओं से आह्वान करते हैं कि सभी युवा रिश्वत के खिलाफ आवाज उठाएं। इस बीच उनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया यह शर्मनाक हरकत, इस पर अखिलेश यादव क्या एक्शन लेंगे यह भी देखने लायक होगा। दस्तक टीवी के लिए बरेली से सुधीर गांधी की रिपोर्ट।